वंस अगेन वेलकम बैक इन माय टू चैनल दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योर सेल्फ यूनिक। सबसे पहले तो आप सबको कांग्रेचुलेशंस एंड मुझे भी, क्यों? क्योंकि 8000 सब्सक्राइबर कल कंप्लीट हुए हैं और मैं बहुत हैप्पी हूं। और साथ ही साथ आप सब रैबिट स्ट्रक्चर का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो, एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी बढ़ गया है। मुझे आपसे कोई कंप्लेन नहीं है, बस इतना है कि शेयर करते रहना। तो उसी सीरीज में ये चौथा है वीडियो है, मींस आपका क्लास फोर है आज का। क्लास फोर में हम लोगों ने आज देखा हुआ है किस तरीके से शेड्यूल एंड क्वांटिटीज निकालते हैं। मींस अगर आपके पास कोई एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आ गया, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, उन कॉलम्स की कॉस्ट कितनी आएगी, उसके साथ आपने रीबार कितना लगाया है, रीबार का लेंथ कितना है, रीबार का वॉल्यूम कितना है, ये सारा कुछ सब कुछ रैबिट कैलकुलेट कर देता है। आप ये मत सोचना कि इसमें हमने ये नहीं निकाला ये नहीं निकाला, मेथड देखना कि कैसे निकालना है, क्योंकि मेथड अगर देख लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैंने एस्टिमेशन की पहले भी चार वीडियो बनाई हुई है, पार्ट वन पार्ट टू, आप डालना यूट्यूब पे डाल देना सीधे रैबिट एस्टिमेशन बाय आकाश पांडे। मैंने उसके अंदर पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री बताया हुआ है और पार्ट फोर भी, और आज ये पार्ट फाइव इसको बोल सकते हो। और वैसे ये रैबिट स्ट्रक्चर के शेड्यूल में है तो मैं इसमें रैबिट स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट चार्ट बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें ही इसको डाल देता हूँ। साथ ही साथ इसको यार ज्यादा लोगों तक शेयर करना जिससे कि और इंटरेस्ट हमारा बनता रहे। और चलिए वीडियो को देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखना और उसके बाद सीखना, और कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट भी करना। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग रेनफोर्समेंट डालेंगे, मीन्स कॉलम पे कैसे, बीम पे कैसे और यहाँ पे फुटिंग पे कैसे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पे जैसे इसमें आपको रेनफोर्समेंट नहीं दिख रहा था, इसकी ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से बढ़ाएंगे, उसके लिए जस्ट सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू और एलिबाई एलिमेंट्स, यहाँ पे जाते ही आपको मिलेगा सरफेस ट्रांसपेरेंसी, इसको इंक्रीज करके आप देख सकते हैं रेनफोर्समेंट कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है। तो जैसा कि कल ये सेक्शन था बस वही सेक्शन है ये, और अभी मैंने सारे पे रेनफोर्समेंट नहीं डाला, सिर्फ इस बीम पे डाला है और ये कॉलम और ये फुटिंग पे। आपको पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो उसको कैलकुलेट करना बड़ा ही ईजी है, बस थोड़े से स्टेप्स हैं, देखिए कैसे करना है। साथ ही अगर आपको सपोज कॉलम के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज जाननी, सेलेक्ट करिए कॉलम को पहले, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कॉलम के बारे में जो लिखना है आपको। इन द सेंस अगर आपको कॉलम का कॉस्ट भी पता करना है, तो सपोज आपका एक कॉलम का एक कॉस्ट मान लीजिए 10,000 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 10,000 क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और अगर इसका मॉडल का कुछ नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मार्किंग भी करना चाहते हैं कि ये कौन सा C1 है C2, जो भी मार्क करना है करके अप्लाई कर दीजिए। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको कॉलम से रिलेटेड अभी 2 मिनट के अंदर आपको मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे व्यू पे जाना है और व्यू पे जाके यहाँ पे आपको मिलेगा शेड्यूल एंड क्वांटिटीज, यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने एस्टिमेशन पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर चार पार्ट अलग से पहले से बना के रखा हुआ है, आप जाके पहले उसको डालिए रैबिट एस्टिमेशन बाय आकाश पांडे, ऐसा डालिएगा आपको चारों पार्ट मिल जाएंगे, ये आपका 5वां पार्ट आज हो रहा है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आएंगे जैसे ही, और हमें देखना है क्या है स्ट्रक्चरल कॉलम्स, तो इसके अंदर सर्च करिएगा। देखिए कॉलम का एक अलग रहेगा, उसको मत लीजिएगा, ये स्ट्रक्चरल कॉलम है। आप क्या कर सकते हो गलती से, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे भी देखना एक कॉलम होगा, ये देखो ये कॉलम, लेकिन हमारा ये कॉलम नहीं, हमारा कौन सा कॉलम है, स्ट्रक्चरल कॉलम है। तो आपको आना है यहाँ पे और यहाँ पे आके ओके करना है बस। अब आपको बताना है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब इस कॉलम के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ों को पता करना है। तो मैंने कहा एक तो हमको कॉस्ट चाहिए, ऐड कर दो। फिर मैंने कहा कि मुझे कट लेंथ अगर है तो लेंथ बता देना हमको। काउंट चाहिए कि कितने कॉलम्स हैं, उसके साथ हमें और क्या चाहिए, देखो इसमें सब कुछ जो भी आपको चाहिए सब दे सकते हो। आपको लेंथ चाहिए लेंथ ले लो, मॉडल चाहिए ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर मटेरियल अगर तुमने प्रोवाइड किया है तो यू कैन जस्ट प्रोवाइड किया। और इसमें से वेट, इसका वेल सबसे इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमने ऐड कर लिया, वेट की ऐसा ज़रूरत नहीं है। इतना इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। अब इसमें से जो इन्फॉर्मेशन आपने एडिट करके एडिट टाइप में जाके दिया होगा प्रॉपर्टी बॉक्स में, तो वो तो लिख के आ जाएगा, जो नहीं दिया होगा वो नहीं आएगा। अब इन सबको अगर इनका टोटल भी चाहिए आपको, तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके ग्रैंड टोटल कर दीजिए और यहाँ पे टोटल ओनली,
और फॉर्मेटिंग पे जाइए, सबको मैंने पहले भी स्टिमेशन पूरा बताया, प्लीज़ उसको जाके देखो तभी आपको क्लियर और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। अभी देखो जैसे कि मुझे ये चाहिए, इसमें काउंट चाहिए, कैलकुलेट टोटल, और इसके बाद अगर आपको ये भी चाहिए तो एक एक कर करना पड़ेगा इसमें, तो कैलकुलेट टोटल कट लेंथ, काउंट चाहिए टोटल, कैलकुलेट टोटल, लेंथ चाहिए कैलकुलेट टोटल, स्ट्रक्चर मटेरियल नहीं ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो टोटल बताएगा ही नहीं, और वॉल्यूम ये बता देगा टोटल, ओके। और इसके बाद जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ओके, आपके सामने ये फटाफट एक एक्सेल सीट की तरह बना देगा। और देखो यहाँ पे कट लेंथ हमने प्रोवाइड नहीं किया था तो उसको उसने प्रोवाइड नहीं किया है, बट कॉस्टिंग हमने प्रोवाइड की थी, देखो इसने कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया, 10,000 10,000, 1,60,000 टोटल इसका कॉस्ट आएगा। काउंट एक एक थे कॉलम सबके सब, लेंथ उनका इतना था 10 10 10 फीट, कंक्रीट का मटेरियल यूज़ किए थे, उनका वॉल्यूम था ये, हमें साइज़ भी ले लेना था तो साइज़ भी इसका पता चल जाता कि कितने बाई कितने का है, वो हमने लिया नहीं था। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चरल कॉलम का शेड्यूलिंग निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कुछ एडिट करना हो, मान लीजिए फील्ड पे गए और यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना है, जैसे कि मुझे मान लीजिए इसकी फैमिली ऐड करनी है, तो इसकी फैमिली को हमने ऐड कर लिया, फैमिली टाइप को ऐड करना है इसको भी हम ऐड कर लिए, और भी कुछ ऐड करना है तो दोबारा भी एडिट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको करके हमने कर दिया ओके। ये देखो इसकी फैमिली कौन सी है, कंक्रीट रेक्टेंगुलर फैमिली है, ठीक है, और ये कंक्रीट रेक्टेंगल से बनाया गया है। अगर इसका टोटल नहीं आया तो इसके जाके फॉर्मेटिंग में जाके कैलकुलेट टोटल इसका भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम पूरा कॉलम का स्ट्रक्चरल शेड्यूल निकाल सकते हैं। अब इसको सेव कैसे करना है वो भी एक टास्क है, फाइल पर जाना है, एक्सपोर्ट पर जाना है। ये चीज़ आपको कैसे है, देखो एक और अच्छी चीज़ अभी जो 2020 में आई हुई है वो ये है, मान लो आपको जानना है ये एक कौन से कॉलम का एस्टिमेशन बता रहे हो आप, तो आपको यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है क्या, हाईलाइट इन मॉडल, जैसे जाओगे ये देखो सेलेक्ट हो गया मॉडल, तो पता चल जाएगा कौन से मॉडल का है, यहाँ पे देखो शो कर दिया हमने तो ये लिखने लगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप जाएंगे फिर से आपको शेड्यूल देखना है तो यहाँ पे जाके शेड्यूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉलम शेड्यूल, फिर से आपको ये मिल जाएगा। इसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट पे, और यहाँ पे जाके रिपोर्ट्स, और यहाँ पे आके शेड्यूल, जिस पे क्लिक करना है, क्लिक करके इसका फाइल का नाम कुछ दे दीजिए, वैसे तो नाम अच्छा है यार, स्ट्रक्चरल कॉलम शेड्यूल, और डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर दिया, ओके। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम शेड्यूल आ गया है। आप लोग सर ऐसे कैसे काम होगा, मतलब प्रॉपर दिख नहीं रहा है इसमें, कोई बात नहीं भाई, एक्सेल ओपन कर लो, इस तरीके से एक्सेल ओपन करो। यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो यार, लाइक करोगे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, सो प्लीज़ लाइक करो, और आगे तो हम लोग चल ही रहे हैं बट अभी लाइक करके रखो। और इसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉलम को उठाना है, उठा के यहाँ से लगाना है, इस पर आना, इस पर आके सेलेक्ट कर लो, ये देखो तुरंत मिल गया। क्या किया मैंने, सिर्फ वहाँ से ऐसे उठाया ट्रेस करके, यहाँ से ट्रेस किया और यहाँ से ले आके और फर्स्ट वाले पर रख दिया, अपने आप उसने क्या कर लिया, सबको कॉपी कर लिया। बाकी तो एक्सेल चलाना आपको आता ही होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, इस तरीके से ये देखिए प्रॉपर हो गया, समझ आया, ये तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ अब आप बोलोगे सर आपने रिवार के बारे में कुछ नहीं बताया, हाँ जी चल रहे हैं रिवार पे भी चल रहे हैं, तो मतलब मुझे क्या चाहिए कि अभी इसमें कितने रिवार लगे, मान लो कि हमने इस कॉलम के हो और इस ये बीम और ये कॉलम, इसको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, मान लो हमने सबको प्रोवाइड किया और हमको जानना है कि कितना रेनफोर्समेंट लगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम स्टेप है, शेड्यूल एंड क्वांटिटीज, आपको जाना है रिवार, तो यहाँ ये यहाँ पर आपको मिलेगा रिवार, देखिए ध्यान से देखिएगा, पढ़ते रहिए, यहाँ पर देखिए लिखा है स्ट्रक्चर रिवार, इस पर क्लिक करके ओके करिए। और इसके बाद जो भी चीज़ आपको चाहिए, इनका आपको नेम चाहिए कि क्या नाम है उसका रिवार का, ऐड कर लो, बार का लेंथ चाहिए, बार का डायमीटर चाहिए, और बेंड अगर किया है कुछ तो बेंड डायमीटर चाहिए, कॉस्टिंग मैंने प्रोवाइड नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं है रखने का। और इसके बाद आपको इसका फैमिली चाहिए, कौन सी फैमिली से बनाया गया है ये, और उसके साथ आपको जो जी चीज़ चाहिए आप सब लिखा हुआ है, आप पढ़ो और आप लिख दो, मार्क हमने अगर किया तो ठीक, मटेरियल मान लो हमको लेना है, मटेरियल ले लिया हमने, और इसके साथ और नीचे आओ क्या ले ले, यहाँ पर रिवार का नंबरिंग क्या है, ठीक है वो ले लेते हैं, और रेनफोर्समेंट का वॉल्यूम कितना है वो ले लेते हैं, और उसके साथ हम लोग यहाँ पर सेप ले लेते हैं कि कौन सा सेप कहाँ पर यूज किया है, टोटल बार लेंथ ले लेते हैं,
और उसके साथ इसका क्या चाहिए आपको, अभी तो कुछ और नहीं चाहिए, बस बहुत है। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर क्लिक करिए, टोटल करना है तो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेट पे जाके सारे को टोटल कर लीजिए, बट अभी ऐसा कुछ मुझे नहीं चाहिए। अब इसमें से जो नहीं प्रोवाइड किए होंगे वो ब्लैंक आ जाएगा, जो प्रोवाइड किए होंगे वो ओके करते ही आपके सामने आ जाएगा। ये देखो हमने असेंबली का नाम नहीं दिया था तो नहीं आया, बार का लेंथ यहाँ पे आ गया, देखो 3 फीट 10 इंचेस, इस तरीके से सारे बार का आ गया। मान लो आपको सारे बार का जो रेंज चाहिए वो दूसरे यूनिट में चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ पे ओपन करके जिस यूनिट में चाहिए आपको, सपोज मुझे ये चाहिए मिलीमीटर्स में, ओके ये देखो ये मिलीमीटर में बार के लेंथ आ गए, बार डायमीटर, ये देखो बार के डायमीटर आ गए। आपको ये भी एमएम में चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जाइए, यहाँ पे जाके मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पे ये मिलीमीटर्स और ओके, और इसके बाद बार बेंड डायमीटर, उसके बाद इसकी फैमिली कौन सी है, मटेरियल कौन सा यूज किया है, रीबार का नंबर क्या है, रेनफोर्समेंट का वॉल्यूम कितना है, सेप, मैंने बताया था ना सेप मतलब 0 2 0 0 मतलब स्ट्रेट बार, और 0 2 मतलब जो फुटिंग में लगाया हमने, टोटल बार लेंथ, यहाँ पे बार लेंथ टोटल आ जाएगा, इनका ग्रैंड टोटल कर देंगे तो आ जाएगा। सेप करने का मेथड सेम है, कितना आसान है ना, और हम इसको ध्यान से पूरा पढ़ते नहीं तो हमको लगता है कितना टफ है, बट अगर ध्यान से पढ़ो तो यार देखो 2 मिनट का काम है और फटाफट ये यहाँ से सेव हो गया, और इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं चाहता हूँ इसको तुरंत ही प्रैक्टिस कर लेना जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने और अच्छा इसको डीप नॉलेज लेना है तो थोड़ा सा मैनुअल पे फोकस करो। मैं तो बोला हूँ आपको कि 10K आप कंप्लीट करो, वैसे 8K आपने कंप्लीट कर दिया, थैंक यू सो मच। और उसके साथ ही जैसे 10K होता है मैं मैनुअल बताऊंगा, बट उससे पहले अच्छा होगा कि आप डॉक्टर वीएल शाह सर की जो बुक मैंने बताई थी उसको जाके पढ़ डालो तो बहुत आपके लिए अच्छा होगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और एक आप सबके लिए एक बहुत अच्छी चीज मैंने किया है कि मैं संडे को लाइव आने वाला हूँ, तो संडे को मैं लाइव कौन से टाइम पे आऊँ ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, जिस टाइम पे आप सब कंफर्टेबल हो, इन द सेंस आप फ्री हो, संडे या सैटरडे, ये भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और उसमें आप बताओ कि आप फ्री किस टाइम पे हो, नीचे कमेंट करना, जिसका कॉमन टाइप रहेगा कि इस टाइम पे वो फ्री है उसी टाइम पे हम शेड्यूलिंग करेंगे कि इस टाइम पे हम करेंगे। मैं जो क्यों आना है लाइव, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि आप सब जो रैबिट स्ट्रक्चर सीख रहे हो इसमें कुछ डाउट आ रहे होंगे, तो डाउट अगर कुछ है तो आप मेरे से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सको, इसके लिए मैं लाइव आ रहा हूँ। और साथ ही साथ दूसरा आपके लिए मैं एक और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि आपके पास अभी भी कई लोगों के पास डाउट रहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई मैसेज करते हो, सॉरी यार एक्चुअली व्हाट्सएप पे मैसेज रहता है बहुत ढेर सारा और उसकी वजह से मैं टाइप नहीं कर पाता हूँ, बट यहाँ पे बोल के बताने में बड़ा इजी रहेगा, तो आप सिर्फ नीचे आके कमेंट कर बताओ कि आप कौन से टाइप पे लाइव आ सकते हो, और मैं आपको फाइनल टाइम कम्युनिटी पे जाके बोल दूंगा कि ये देखो फाइनल टाइम है, और साथ ही साथ उस टाइम पे आके हम क्वेश्चंस अपने जो भी आपके क्वेश्चन से पूछिएगा, और मैं आराम से जितने देर तक आप लोग रहोगे उतनी देर तक मैं आपसे आंसर करता रहूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर, कौन सी कंपनी में जाओ कि आपके लिए अच्छा होगा, कौन सी एमएनसीज हैं यहाँ पे जिन पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही बड़े लेवल पे। सो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट करो संडे या सैटरडे और टाइमिंग, वैसे मैं संडे का ही प्रीफर करूंगा, आपके लिए संडे अच्छा होगा क्योंकि कई लोगों का सैटरडे वर्किंग रहता है, कई लोगों का कॉलेज रहता है, सो संडे इज बेस्ट, पर टाइम बता देना कि कौन सा टाइम, इस टाइम पे फ्री हूँ या इस टाइम पे फ्री हूँ, जिससे कि हम सब एक साथ मिलकर ढेर सारी बातें कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, और बताते जाना कैसे वीडियो लग रहे हैं हमारे रवि स्ट्रक्चर के, और नेक्स्ट है स्टैट प्रो या ईटैब्स, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आपसे पूछ के ही होगा सब कुछ, बस इसी तरीके से चैनल को इंक्रीज करते रहो, जय हिंद जय भारत।